बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एस्ट्रो तक में आज हम आपको बताएंगे दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है और कैसे आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन करें। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पूजा की सरल विधि क्या है, फिर आपको बताएंगे कि आप दीपावली का पूजन कैसे करें। यदि आप बिजनेस है, आपका ऑफिस है, कारखाना है, फैक्ट्री है, तो वहाँ कैसे पूजन करें, क्या शुभ मुहूर्त होगा और घर में पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो दोनों शुभ मुहूर्त बताएंगे। पहले पूजा विधि बताते हैं। देखिए, माँ लक्ष्मी का पूजन हम लोग दीपावली के दिन करते हैं, हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि। माँ लक्ष्मी का पूजन करने से धन दौलत की प्राप्ति होती है। तो आप कैसे पूजन करें जिससे कि धन दौलत आपको मिले। सबसे पहले तो अपने घर में जिस स्थान में पूजा करना हो उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। वहाँ एक ऊंची सी चौकी रखिए और उसमें लाल कपड़ा बिछाइए और लक्ष्मी गणेश को स्थापित कर दीजिए। पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए, जितना आपका बजट हो, जितनी आपकी क्षमता है उस हिसाब से सामग्री ले आइए और फिर जो है माँ लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करना है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना है, फिर लक्ष्मी जी का पूजन करना है। तो सबसे पहले गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराइए, उससे फिर लक्ष्मी जी को स्नान कराइए, फिर गणेश जी को तिलक कराइए, फिर लक्ष्मी जी को तिलक करिए, गणेश जी को अक्षत अर्पित करिए, लक्ष्मी जी को अक्षत अर्पित करिए, गणेश जी को पुष्प अर्पित करिए, लक्ष्मी जी को पुष्प अर्पित करिए, गणेश जी को माला चढ़ाइए, लक्ष्मी जी को माला चढ़ाइए। लक्ष्मी जी को गुलाब की माला बहुत प्रिय है तो गुलाब की माला चढ़ा लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो आपके पास प्रसाद है वो प्रसाद का भोग लगाइए। एक मंत्र बताते हैं, प्रसाद में माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है तो खीर अवश्य बनाइएगा, उसमें केसर डाल लीजिएगा। तो केसर युक्त खीर माँ लक्ष्मी को प्रिय है तो उसका भोग लगाना है। एक मंत्र बताते हैं, उस मंत्र का कमल गटी की माला से जाप कर लीजिएगा वहीं बैठ करके। मंत्र नोट करिए, ओम। अच्छा, ये जो मंत्र का जाप है ये आपको 108 बार करना है उसी जगह पर बैठ करके जहाँ आप पूजन कर रहे हैं। मंत्र नोट करिए, श्री लक्ष्मी नमः। श्री 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 के ऊपर बिंदी होगी, श्री लक्ष्मी नमः, श्री लक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार कमल गटी की माला से वहीं बैठ करके जाप कर लीजिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की आरती करिए, फिर माँ लक्ष्मी की आरती करिए और जो भोग प्रसाद है वो अपने घर परिवार में और पड़ोसियों को बांटिए। अब पूजा का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। यदि आपकी ऑफिस है, फैक्ट्री है, कारखाना है तो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा धनु लग्न, सबसे श्रेष्ठ लग्न है ये। दीपावली के दिन सुबह 9:51 से 11:50 तक रहेगी और दोपहर में यदि पूजा करना चाहते हैं तो 11:51 से 1:30 के बीच में दोपहर में पूजन कर सकते हैं। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 4:27 से जो है 6:06 तक। इसमें भी आप पूजन कर सकते हैं अपने व्यापारिक स्थान में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दुकान में। घर में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, घर में आप स्थिर लग्न में पूजन करिए। वृष लग्न सबसे अच्छी मानी जाती है तो वृष लग्न का समय होगा शाम को 6:18 से रात को 8:05 तक। तो आप वृष लग्न जो कि स्थिर लग्न है इसमें आप लक्ष्मी गणेश का पूजन कर लीजिएगा, बहुत ही शुभ लग्न है। जो लोग कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें सिंह लग्न में पूजन करना चाहिए और सिंह लग्न की पूजा का समय है रात को 12:35 से रात को 2:53 तक। तो आप इन शुभ मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। तो आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माँ लक्ष्मी, सब पर कृपा करें।